नमस्कार सभी जाट भाई बहनों को, आपका आशीर्वाद लेते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा था और एक हमारे ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने जाटिस्तान की डिमांड की थी कि हमें जो है जाटिस्तान दिया जाए। ये डिमांड क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे पूरी की पूरी हिस्ट्री है। ये बात लगभग 1940 से लेके और 1946-47 तक है। उसमें पंजाब पूरा एक होता था। मैं बता दूं भाइयों बहनों, पंजाब का अर्थ पंजाब नहीं है, ये अर्थ समझिए क्यों नाम आया। जैसे कि अब आप हंसेंगे, यहाँ शराब, शराब का अर्थ है शरारत से भरा पानी, और पंजाब का अर्थ है पांच नदियों का पानी। आप फारसी में पानी को बोलते हैं रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब। इस एरिए को पंजाब कहते थे, जो कि 48% या 46% अब हिंदुस्तान में है, 52 या 56 समथिंग लाइक ये जो है पाकिस्तान में। उस समय देखिए, ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए, आज हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हैं, अंग्रेजों के टाइम भी डेमोक्रेसी थी, एमएलए होते थे, सीएम होते थे। वो बात अलग है कि उनका एक पैटर्न था कि भी कौन वोट देगा, ग्रेजुएट किए हुआ आदमी वोट देगा, चाहे इनकम टैक्स पे करते वो वोट देगा, हर किसी को वोट डालने का हक नहीं होता था। तो बात 1940 के आसपास क्या था कि पंजाब के अंदर जो असेंबली थी उसके सीएम सिकंदर थी और उन्हीं के मिनिस्ट्री में सर छोटराम जी भी थे, और उस टाइम के कई नेता थे जिनके नाम इस प्रकार थे, मास्टर ताराचंद, छोटराम जी, डॉक्टर गोकुल चंद नारंग जी, ये सब उस समय के एक अच्छे नेता थे, या एमएलए कहिए आप, उनकी अच्छी चलती थी। तब जब बात जिन्ना ने कहा कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, तो अमृतसर में सरदारों ने यहां तक कसम भी खाई थी सभी नेताओं ने समय कि हम जिन्ना का विरोध करेंगे, लेकिन ये जाति और धर्म ऐसा जहर है, जहां बो दिया जाए वहां काटते। सर छोटूराम इसके खिलाफ थे, घूमते रहते थे, वो बहुत बड़ा रोड़ा थे। लेकिन फिरंगी महल में एक मीटिंग हुई और जो उस समय मुस्लिम जाट नेता थे उनको समझाया गया कि आप सर छोटूराम के साथ ना बात करें, हम मुस्लिम हैं, और एक बीज जहर का बीज बोया गया और सर छोटूराम जी उस समय फिर अकेले पड़ गए। और मैं ये भी कहूं, यदि छोटूराम जी का देहांत आजादी से पहले ना हुआ था, शायद ये पंजाब का नक्शा कुछ और होता, इसमें कोई दोराय की बात नहीं है। क्योंकि छोटूराम जी जो कि किसानों के मसीहा नेता जिनको हम कहते हैं, मंडी एक्ट लेके आए, पंजाब एक्ट लेके आए, जिसमें सब कुछ ये सारे काम हुए। अब हम चलते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने जाटिस्तान की डिमांड की। उन महानुभाव का नाम था सरदार बलदेव सिंह जी। इन्होंने सबसे पहले जाटिस्तान की मांग की। इन्होंने कहा जब तुम पाकिस्तान मांग रहे हो तो हमें भी जाटिस्तान चाहिए, और हर हाल में चाहिए। और ये मांग की गई थी 12 मई 1946 को, और उन्होंने नक्शा तक बना दिया था इसका, जाटिस्तान का। उसमें रीवन रावी नदी से लेके दिल्ली और मेरठ डिवीजन और आगरा डिवीजन इस एरिए में रखी गई थी। वैसे आप ध्यान से देखने की कोशिश करें आज तो मेरठ में भी देखिए जाट ज्यादा है, बड़ौत, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा में भी, मथुरा, आगरा, वृंदावन, यहां जाटों का बाहुल्य। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने नक्शा बना के डिक्लेयर किया था कि हमें भी जाटिस्तान चाहिए। वो अलग है कि ये स्टेट के रूप में चाहते थे या एक अलग देश चाहते थे, ये एक पैटर्न अलग रखा गया था इनका। इसके लिए इन्होंने भरतपुर में, अजमेर में, यहां तक कि पंजाब, रोहतक, सोनीपत, हर जगह मीटिंगें की।
लोगों को समझाया, लेकिन चूंकि सर छोटू राम और जो नेता थे उस समय के, वो इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो इनका जो प्लान था धराशायी हो गया। इसके कुछ तथ्य हैं, रिकॉर्ड भी है, अगर आप जानना चाहें जा सकते हैं, गजट में भी है, अगर आप कहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इनकी लिंक भी भेज सकता हूं। और आपको भी यदि इसके अलावा कोई जानकारी मिले इस प्रकार की, जैसे जाटिस्तान या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो हमारे भाइयों को पता होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि जाटिस्तान की डिमांड मैं कर रहा हूं या करूँ ना, ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि भाई को पता लगे कि हमारे भूतकालों में क्या हुआ है, कैसी कैसी विषम परिस्थिति से हमने आपको बचाया है। इसी के साथ आप सब लोगों से इजाजत लेते हुए जय जाट, नमस्कार। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं?